मुझे वेट लॉस करना है, बट वेट लॉस करना है तो मुझे टेस्टलेस, बोरिंग, उबला हुआ और मतलब कि अजीब सा खाना खाना पड़ेगा और मैं कैसे खाऊंगी। सो इससे अच्छा मैं फास्टिंग ही कर लेती हूँ, मेरा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस करना है तो आपको ना बिना तेल का खाना खाना चाहिए, शुगर छोड़ देना चाहिए, कार्ब्स छोड़ देने चाहिए, मीठा तो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए और जितना हो सुबह सुबह खा लो, दोपहर को थोड़ा खा लो, रात को तो बिल्कुल मत खाओ। वेट लॉस करना है आपको तो बॉइल्ड खाना खाना पड़ेगा, बॉइल्ड खाना, या फिर आपको एप्पल डाइट करना पड़ेगा, या तो आपको कुकम्बर डाइट करना पड़ेगा, या फिर आपको सिर्फ ओट्स पे जीना पड़ेगा। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ आती है कि वेट लॉस करना है तो हमें बॉइल्ड खाना खाना पड़ेगा, कैसा सा खाना मिलेगा, खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या फिर हमें दो एप्पल पे अपना पूरा दिन काटना पड़ेगा, फास्टिंग करनी पड़ सकती है, किस तरीके का खाना मिलेगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लेके आई हूँ 7 रेसिपीज़ जो कि आप लंच में मेजरली यूज़ कर सकते हैं, बट आप उनको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं एंड डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डाइट से सारी कैलोरीज कट कर दो। वेट लॉस इज़ ऑल अबाउट आप सही समय पे सही खाना खाओगे और सही क्वांटिटी में खाओगे, आपका वेट लॉस होगा ही होगा। वेट लॉस बहुत सारी चीज़ों से लिंक करता है, वेट गेन आपका बहुत सारी चीज़ों से लिंक करता है, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ टॉप 7 माई पर्सनल फेवरेट रेसिपीज़, जो कि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल रेसिपीज़ हैं जो बनने में मैक्सिमम लेंगी 10 मिनट या 5 मिनट। कुछ कुछ रेसिपीज़ है जो सिर्फ 5 मिनट्स में बनने वाली, अगर आप कुकिंग में बहुत तेज़ हो, या फिर 10 मिनट मैक्सिमम। और इन रेसिपीज़ की सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये टेस्टलेस नहीं है, इनमें भरपूर टेस्ट है, आपको बिल्कुल फील ऐसा नहीं होगा कि आप एक डाइट पे चल रहे हो या फिर आपको खाना नहीं मिला। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कुकिंग की आलस मारते हैं कि हमसे कुकिंग नहीं होगी, और उस सिचुएशन में आप अपना लंच का जो मील है वो स्किप कर देते हो। जब आपका कोई भी मील स्किप होगा, आपके नेक्स्ट मील के टाइमिंग तक आपको इतना भूख लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवरईट करोगे और आपका जो डाइट है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी जानी है क्योंकि इसमें 7 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मेरे किचन में चलते हैं और बनाते हैं 7 डिलिशियस यम्मी और सीरियसली यम्मीएस्ट रेसिपीज़। सो चलते हैं किचन में। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं हमारी अरबी की सब्ज़ी। सो अरबी की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है बनाना, कैसे बनाना है आज आप स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अरबी है इसको मैंने पील कर लिया है, इसको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, अब हम बनाएंगे अरबी की सब्ज़ी। 5 से 10 मिनट में बन जाएगी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत नामात्र तेल में बनाएंगे, स्टीम करके बनाएंगे और ट्रस्ट मी बहुत यम्मी बनेगी। सो अरबी की सब्जी की सलाद हम बना रहे हैं फर्स्ट रेसिपी, और कैसे बनानी है स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो अरबी है इसको मैंने पील कर लिया है, साफ कर लिया अच्छे से, एक बारी और मैं इसको पानी से उघालूंगी। ये रहा पानी, इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरी अरबी, क्योंकि इसमें रैशेस फिर भी रह जाते हैं और थोड़ी सी इचिंग ना दे दे और अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इसको 2-3 बार पानी में धोएंगे हम। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं 2 बार और धोऊंगी इसको। ओके जी, सो ये एक पर्सन के लिए मैंने 7 अरबी के पीसेस लिए हैं और ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे साफ़ कर लेंगे। ओके जी, सो अब हम इसको अच्छे से कट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसको ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं बिल्कुल हल्का सा घी डालूंगी, घी नहीं मैंने ऑयल लिया है। ओके, हाँ ये गर्म हो चुका है, ये रहे मेरे पास अनियंस, ये डाल दिए मैंने अनियंस इसमें। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मेरे पास है अरबी, ये मैंने डाल दी इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से हमारे मसाले, सबसे पहले डालेगा हल्दी पाउडर, दूसरा हम यहाँ पे डालेंगे पिंच ऑफ हिंग पाउडर, अरबी काफ़ी बारीक गैस दे देती है। नेक्स्ट है सूखा धनिया पाउडर। ओके, नेक्स्ट भुना हुआ जीरा का पाउडर, यहाँ पे डाल दिया मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल ना मात्र जितना नमक, बहुत ही अच्छे से इसको अब हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी,
दो करछी जितना मैंने पानी डाला है, इसको ढक देंगे। अब इसको भाप की हेल्प से हम अच्छे से पकने देंगे। ऑलराइट जी, सो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल रेडी है, पक चुका है, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैं डाल रही थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। बिल्कुल तैयार है। सो ये रहा हमारा सैलेड बाउल, अरबी की सैलेड, एंड इट्स रेडी, यम्मी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं चिक पी सैलेड। सो ये रहे मेरे पास उबले हुए चने, अच्छा खासा उबला हुआ है ये, एक कटोरी उबला हुआ चना, वाइट वाला। नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी वेजीज हैं। ये है एप्पल विथ पील, मैंने इसको यूज़ करा है, टमाटर बिना बीज का आधा, एक गाजर, एक खीरा। अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे सबको। परफेक्ट। थोड़ा सा इसमें हम चीज़ें डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट, कोशिश करो जितना नमक को अवॉइड कर सको इसमें स्पेशली, बट अगर आपका नहीं है बीपी लो का प्रॉब्लम है देन यस पिंच ऑफ सॉल्ट बस यहाँ पे। और हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बेशक से चिक पीस जो है फ्रिज में भी लगा सकते हो। और ये सैलेड बिल्कुल तैयार है, दिस इज एब्सोल्युटली रेडी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं एप्पल सिनेमन ओट्स। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है कटे हुआ एप्पल, एक एप्पल डाल दिया जी यहाँ पे मैंने। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिए ओट्स आधी कटोरी। नेक्स्ट ये रहा मेरे पास सिनेमन ताज़ा कूटा हुआ, आधा पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, आधा कप जितना। खूब अच्छे से इसको अभी हम पकने देंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे बस इसको पकने में यार। अब इसको सेम आंच पे हम पकने देंगे अच्छे से। विंटर्स में हम गरम गरम खाएंगे, समर्स में हम इसको बिल्कुल चिल ठंडा करके खाएंगे। इसको आप फ्रिज में लगा दो रात को बनाकर, सुबह उठ के इसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच में एंड डिनर, तीनों में आप ये रेसिपी यूज कर सकते हो एज पर योर चॉइस, ठंडा और गरम। इसमें हमने डाल देना है हनी, थोड़ा सा हनी या मैपल सिरप जो भी आपके पास हो। ओके जी, सो यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं एक रैप जो कि बनेगा मसूर की दाल से। ये रही मसूर की दाल, मैंने आधी कटोरी मसूर की दाल भिगो के रखी हुई है कम से कम 1 घंटे से, वो भी गर्म पानी में अच्छे से वॉश करके। ये डाल दिया यहाँ पे मसूर की दाल मैंने। ये ले लिया मैंने नॉनस्टिक तवा, ये रहा मेरे पास घी, बिल्कुल एक दो बूंदे घी की लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। परफेक्ट। यहाँ पे मेरे पास है ये मेरा थिक मिक्सचर, फिर मैं डाल दूंगी मेरा मिक्सचर। अब इसको पकने के लिए क्विक टिप, अगर ये तवे पे चिपके ना, ये हमारी संजना रानी का आइडिया है, इसको ढक दिया करें। तो हम इसको ढक देंगे, आँच सिम कर देंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे, ये अपने आप ही फ्लिप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कुछ सब्जियाँ। ये है मेरे पास लाल और पीली शिमला मिर्ची, बेल पेपर्स, ये रहा थोड़ा सा पनीर, बिल्कुल नाम मात्र जितना, बिल्कुल थोड़ा सा पनीर, प्याज,
सो अब इन सबको हम यहाँ पे सौते करेंगे जब तक हमारा चीला रेडी होगा, रैप का जो बेस है वो रेडी होगा। ये लिया मैंने नाम मात्र जितना तेल, इसके अंदर सबसे पहले जा रहा है मेरा प्याज, फिर जा रही है पनीर, फिर जा रही है जी ये जो मेरी शिमला मिर्ची है वैसे भी, इसके में हम डाल देंगे हल्का सा नमक, सूखा धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, पिंच ऑफ हिंग पाउडर, खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। सेम आंच पे इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे जी हमारे रैप के सिचुएशन आहा बढ़िया, ये देखो जी तेल भी नहीं लगाना पड़ा एक्स्ट्रा, शाबाश संजना रानी आई लव यू। ओ बढ़िया फ्लिप हो गया एंड अच्छे से इसको अब हम तेज आंच पे कुक कर सकते हैं, तरीके से फ्लिप कर दिया है अब हमने। चलिए जी यहाँ पे ले ली मैंने जी मेरा जो रैप है ये बिल्कुल तैयार है और इसका फिलिंग वाला मिक्सचर भी तैयार है। बड़ा सॉफ्ट चीला है यार ये। ओके हमारी हरी चटनी भी यहीं पे है और अब हम इसका रैप बनाएंगे बढ़िया से। So this is a wrap and absolutely ready, high in protein. कमल ककड़ी की सैलेड। सो ये रही कमल ककड़ी और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है, अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। अब हम इन्हें पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, अब हम इसको विसल लगवाएंगे। सो ये रहा मेरा प्रेशर कुकर। ओके इसके अंदर मैं जल्दी के लिए कि जल्दी बन जाए, टाइम कम होता है, गर्म पानी डाल रही हूँ ऑलरेडी, ये गर्म पानी कर रखा है हमने केटल में। अब हम इसको कवर करके विसल लगवाएंगे, 5 विसल लगवाऊंगी मैं इसे, 1 तेज आँच पे 4 छोटी आँच पर। ऑलराइट जी सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारी जो कमल ककड़ी है ये बिल्कुल बॉईल हो चुकी है, अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। ओके जी सो यहाँ पे ये बॉईल हो चुके हैं और ये रही मेरे पास कमल ककड़ी, अब हम इसको इसके जो पील है हम अब रिमूव करेंगे। ओके सो अब कमल ककड़ी के सैलेड के लिए हमें चाहिए खीरा ठंडा ठंडा, इसको हम कद्दूकच करेंगे। ओके जी सो ये रहा मेरा बाउल, इधर कुकम्बर जो है वो मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है खीरे का, और नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास पील की हुई मेरी कमल ककड़ी है, अब इसे चॉप करेंगे, टफी को चाहिए हम उसको नहीं देंगे। ओके जी सो यहाँ पे है खीरा रेडी, मेरी कमल ककड़ी रेडी, यहाँ पे मेरे चॉप किए हुए टमाटर रेडी। मेक श्योर कि आपके टमाटरों के अंदर बीज ना हो, यहाँ पे देखो तो मैंने बीज हटा रखे हैं, इस तरीके से टमाटर भी स्टोन वाला पेशेंट खा सकता है, अगर सीड्स हम हटाते तो उनको सीड्स की वजह से हम मना करते हैं टमाटर नहीं खाना, पालक तो डेफिनेटली नहीं खाना, बट सीड्स अगर रिमूव कर दो टमाटर से तो एज अ सैलेड के फॉर्म में हम टमाटर ऐड कर सकते हैं। ओके जी इसके अंदर हम डाल रहे हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मेरे पास है घर की पुदीने की चटनी, सैलेड है मुँह सड़ा के थोड़ा ना खाएंगे क्यों भाई। खूब अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ओके एंड द सैलेड इज एब्सोल्युटली रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। अब हम बनाने जा रहे हैं वेट लॉस खीर, उसके लिए ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ मखाना, 2 चम्मच ओट्स, सब हम ब्लेंड करेंगे। ओके जी सो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है, दूध के अंदर मैं अपना ये मिक्सचर ऐड कर दूंगी।
अब हम इसको उबालेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ज़्यादा उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए ये खीर ऑलमोस्ट रेडी है अभी, और ये जस्ट 5 मिनट्स में बनने वाली चीज़ है, जस्ट 5 मिनट्स। ओके जी, सो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरी खांड, 1 चम्मच जितना मैंने इसमें खांड ऐड किया है। अगर आपके पास खांड नहीं है आप जैगरी पाउडर इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर कोकोनट शुगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट मेन चीनी जो है वो इसमें ऐड हमने नहीं करनी है। सो इट्स रेडी, इसको अब हम बंद कर देंगे। अब इसको हमने लेना कैसे है, अब गर्मियाँ हैं, गरम गरम तो ये खाई नहीं जाएगी। इसको आप 1 दिन पहले बनाकर फ्रिज में लगा सकते हैं, और इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। अगर विंटर्स हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे गरम गरम, गर्मियाँ हैं तो आप इसको फ्रिज में लगा के ठंडा ठंडा आप इसको इन्जॉय करेंगे। अभी तो है गर्मियाँ और मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर होने तक ठंडा करूँगी, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगाऊंगी, और नेक्स्ट डे मैं इसे एज अ ठंडी खीर लूँगी। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चूरी की रेसिपी। नाउ चूरी क्या है, हम इसको बोलते हैं चूरमा भी बोलते हैं, हमारे घर में इसको चूरी बोला जाता था। सो ये है रोटी की चूरी या फिर रोटी का चूरमा। आप किसी भी मिक्स्ड फ्लावर का आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये आप स्पेशली तब खाना जब आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, आप बहुत वीक फील कर रहे हो, यू फील लाइक कि बस मैं पड़ी रहूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप ये रेसिपी बनाना। और ट्रस्ट मी आपका मूड ठीक हो जाएगा, आप एनर्जी में आ जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा किया, ये मैंने खाया। ये हमारी पुरानी रेसिपीज़ है, हमारी दादी, मामी, नानी हम लोगों को खिलाती आ रही हैं, तभी वो लोग भी खाते आ रहे हैं, तभी वो आज तक अपने आप को बिल्कुल फिट फील करते हैं। सो आपको भी ये चीज़ अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, खूब सारा घी और ये चूरी। सो चलते हैं किचन में और बनाते हैं चूरी। ओके जी, सो नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं चूरी। ये आपकी दादी, नानी, मामी सबने आपको खिलाई होगी जब आप छोटे हो गए, और एक कैसे बनेगी और वीकनेस कैसे हटाएगी वो हम देखते हैं। ये है मेरे पास जौ की और गेहूं की रोटी, ये मैं फुलका बना रही हूँ, एंड ये गरम गरम फुलका है, ये ऐसे हम 2 फुलके लेंगे। ओके जी, सो ये जो रोटी है ये बहुत ही गरम है, इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच जितना घी, इसको हम खूब अच्छे से कूटेंगे। चूरी का मतलब इसको चूर चूर करना रोटी को घी में। एक रोटी हो गई, सेम हमने हमारा दूसरा गरम गरम फुलके को, मेक श्योर फुलका आपका गरम होना चाहिए, ठीक है जी। अगेन हमने डाल दिया 1 चम्मच जितना घी, ओके जी। सो यहाँ पे ये लिया हमने 1 चम्मच जितना शहद, आप शहद, गुड़, मैपल सिरप कुछ भी ले सकते हो, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हम खाएंगे। कसम से कह रही हूँ बचपन की याद आ जाएगी आप सबको। सो दिस इज आवर लंच एंड इट्स रेडी। वेलकम बैक गाइज। सो ये है 7 रेसिपीज़, आई होप ये रेसिपीज़ आप सबको अच्छी लगेगी, अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, खूब सारा हेल्दी खाएं, फिट रहें, अपनी बॉडी को खूब सारा प्यार दीजिए, और मेक श्योर आप कोई भी मील स्किप नहीं करेंगे। जहाँ पे आपका मील स्किप हुआ वहाँ पे आपकी जर्नी होगी बिल्कुल 0। बट हमने जब शुरू किया ही है, कोई काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। सो मेक श्योर आपकी कोई भी मील स्किप यहाँ पे ना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। सो या दैट्स इट, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।